अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम नफीसा इमाम और आप देख रहे हैं फ़न विद नफीसा। तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये कैनवस पे मैंने बनाई है। ये सनसेट है, ये जब समर वेकेशंस के मिले थे उसमें ये एक एक्टिविटी थी। तो ये मैं जाके सबसे बड़े साइज़ का ये था, तो ये मैं ले जाके ला के इसको मैंने पेंटिंग की थी। ये देखिए कितनी प्यारी है। अब हम लोग अपने काम की तरफ आते हैं। आज हम लोग बनाएंगे बुकमार्क। ये जो बुकमार्क है ये मैंने सीखा था, काफ़ी अर्सा पहले मैंने सीखा था, तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ शेयर करूं। तो इसमें देखिए, इसमें हमें ये पेपर चाहिए, कोई भी आप कलर का ले सकते हैं और कोई भी कलर का आप ले लें। और फिर इसको हमने स्क्वायर में काटना है। मैंने इसको 6 इंचेस का रखा है। आप कितने जितने मर्ज़ी इंचेस का रख सकते हैं, लेकिन मैंने 6 इंचेस का ही रखा है। अब हम इसको कर देते हैं। हो लेकिन आपका स्क्वायर होना चाहिए। आप बेशक 8 इंचेस ले लें, जितने मर्ज़ी इंचेस ले लें, लेकिन आपका होना स्क्वायर ही चाहिए। ये आखिरी वाली। ये देखिए मैंने काट लिया है। अब हमने इसको सबसे पहले इसके कॉर्नर से मिला के इसको क्रॉस की शेप हमने इसको देनी है। दूसरी साइड से भी, वैसे तो आप दूसरी साइड से ना भी दें, लेकिन मैंने ये सीखा था, तो फिर मैं आप लोगों के साथ भी यही शेयर कर रही हूँ। फिर अब हमने ये जो इसकी थी, अब हमने ये जो इसका जो कॉर्नर था, हमने इसके टिप को उसके साथ मिलाना है। और फिर हमने वैसे इसको इस तरीके से करके फिर हमने इसको इधर से, फिर अब हमने इसको इस तरह इसकी भी हमने कॉर्नर से कर देना है। इसकी दूसरी साइड को भी ऐसे ही करना है। आप लोग कोई भी कलर का बना सकते हैं। मैंने पिंक कलर लिया है। अब हमने इसको इसके अंदर कर देना है। ये देखें, अब हमने ये जो इसके ये वाली चीज़ थी, ये जो इस तरह की थी, कॉर्नर्स जो थे वो हमने इसको अंदर, ये देखें, अब हमने ये जो इसके ये वाली चीज़ थी, ये जो इस तरह की थी, कॉर्नर्स जो थे वो हमने इसको अंदर कर दिए उसके साथ ही। अब हम इस पर कोई भी चीज़ बना सकते हैं। मैंने इस पर आइस, आप कोई भी एनिमल बना सकते हैं, लेकिन मैंने इस पर बनी बनाना है, इसलिए मैंने पिंक कलर लिया था। अब हम इसमें से 2 आइस निकाल देते हैं। फिर आप, अगर आपके पास ये आइस नहीं है तो आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। मेरे पास थी तो फिर मैंने सोचा कि मैं यही लगा लेती हूँ। अभी ये देखिए, अब ये इस तरह का लग रहा है। जो साइडों पे ग्लू है ये सूख के वाइट हो जाएगी, नज़र ही नहीं आएगी। अब मैं इसके कान काट के लगाऊंगी और इसकी नोज बनाऊंगी। पहले आप पेपर पर ड्रॉ कर लें। मैं थोड़े लंबे रखूँगी इसके कान, आप जितने मर्जी रख सकते हैं। काट लेंगे। इसको दरमियान से भी काट देंगे। ये देखिए अभी बनी के 2 कान रेडी हैं। लेकिन इसको लगाने से पहले इसके कानों को हम इसमें पिंक कलर भी कर देंगे और छोटे से कान इसमें ड्रॉ करेंगे। आप कलर भी कर सकते हैं, मैं कर रही हूँ। ये देखिए मैंने अब ऐसे बना लिया। मुझे पता है कि इसका फेस थोड़ा सा गंदा बन गया है, वो इस वजह से क्योंकि मैंने बोर्ड मारकर जब ट्रेस किया तो मुझे नहीं था आइडिया कि वो इतना मोटा होगा कि वो फैल जाएगा। उसमें नई नई इंक डाली थी। अब मैं आपको इसमें लगा के, आप इसको अपने स्टोरी बुक में लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से,
ये जब बाद में बंद करके आप खोलेंगे तो इसके कान आपको नजर आ रहे होंगे, फिर आप ऐसे करके खोलेंगे तो फिर ये देखें इधर से हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, शेयर और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।